Welcome to Medicine by Jeeps. Today's topic of discussion is tarsals, metatarsals, phalanges of the foot. So this is a model. So first of all, देखेंगे ये इतनी important bones नहीं है as compared to the femur, tibia, fibula, hip joint. ठीक है, ये just ऑस्पी वगैरह के लिए बहुत important है कि ऑस्पी के अंदर point लग सकते हैं. जैसे देखें चौक लगाए हुए हैं उन्होंने, तो ये ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आ जाती होती है. इसी तरह रखा होता है और ये चाक लगा होगा तो आपको लिखना होगा पॉइंट के ये जो इंसान चाक ये कौन सी बोन है, इस तरह करके पॉइंट्स पूछते हैं. ठीक है, ओवेबा में इतने ऐसा नहीं पूछे जाते, वो प्रेफर करते हैं बाकी बोन्स को सुनने में. अच्छा जी, आपने देखना है कि ये फुट है हमारा, इसमें टॉर्सल्स कितनी है, तो इसमें टोटल 7 टॉर्सल्स होती हैं फुट में. ठीक है, जो कार्पल्स होती हैं हैंड के अंदर वो 8 होती हैं, लेकिन जो टॉर्सल्स हैं फुट के अंदर वो 7 होती हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, फिर आपने इसके नेम्स को देखना है एंड देन हम मेटाटार्सल्स देखेंगे, 5 मेटाटार्सल्स हैं, देन फिलेंजेस की तरफ मूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेम्स कौन से होंगे. तो ये इस तरह क्या ना ऐसे होते फुट, तो ये जो है ना सबसे पहले 3 यूनिफॉर्म होती हैं. ईजी हो गया, आपने याद करना है 3 यूनिफॉर्म होती हैं. जो बिग टो की तरफ होगी वो होगा मीडियल यूनिफॉर्म. ठीक है, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल यूनिफॉर्म. आपने एक बात याद रखना है कि एक रो बना लें इस तरह से, उसमें 4 सी याद रखने हैं, यूनिफॉर्म, मीडियल यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड. ठीक है, ये फर्स्ट रो में पूरे जो इंसान है वो 4 सी आपने इसका नमूना याद रखा है. ये एक बोन की नेविगुलर बोन. ठीक है, तो नेविगुलर बोन की यहाँ पे अगर पॉइंट लगा होगा तो आपने कहा था ट्यूबरोसिटी ऑफ द नेविगुलर बोन. ठीक है, टोटल वैसे ही नेविगुलर बोन है, क्यूबॉइड बोन है. नेक्स्ट आपने देखना है कि ये जो ये हमारे पास है टेलस एंड दिस इज कैल्कीनियम. ठीक है, तो टेलस को और कैल्कीनियम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके फीचर्स, क्योंकि यहाँ पे चाक काफ़ी ज़्यादा दफ़ा लगा हुआ है और ये ऑस्पी में काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आपने इसको कैसे याद रखना है, ये हेड है, हेड ऑफ द टेलस. ठीक है, नेक ऑफ द टेलस, बॉडी ऑफ द टेलस, हेड, नेक, बॉडी ऑफ द टेलस. क्लियर है? अब जो है ना बॉडी, इसमें जो ये ना ये इसको ट्रोक्लिया कहते हैं बेसिकली, ट्रोक्लिया. अब ये लेटरल साइड है तो हमारे पास आएगा लेटरल प्रोसेस एंड ये हमारे पास बनेगा होल पोस्टीरियर प्रोसेस. ठीक है, लेटरल प्रोसेस देन होल पोस्टीरियर प्रोसेस. अब जो होल पोस्टीरियर प्रोसेस है ना, इसमें हमारे पास है टूबरकल है. जो मीडियल साइड पे होगा वो मीडियल टूबरकल है, ये हमारे पास बनेगा मीडियल टूबरकल, ये है लेटरल टूबरकल और इनके दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट है. ठीक है, एक्सटेंसर हॉलिसिस के टंडन के लिए. ठीक है, हॉलिसिस लॉन्गेस्ट आई थिंक, ये एक दफ़ा आप मेक श्योर कर लीजिएगा. आई थिंक एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट का टंडन के लिए आता है ये. अब ये आएगा लेटरल ट्यूबरकल, मीडियल ट्यूबरकल, ये तीनों मिला के हमारे पास क्या बनता है, पोस्टीरियर प्रोसेस. ये हमारे पास बनता है लेटरल प्रोसेस, दिस इज ट्रोक्लिया. ये है नेक, कंस्ट्रक्टेड नेक. ठीक है, ये हेड आएगा. अच्छा जी, ये होगी टेलस होगी. अब आ जाते हैं हम कैल्कीनियम की तरफ. तो कैल्कीनियम के अंदर आपने कैसे रखना है, कैल्कीनियम की ना एक्चुअली 4 सर्फेसेज होती हैं, आर्टिकुलर सर्फेसेज. ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. एक तो होगी ना ये वाली जिसके साथ ये क्यूबॉइड अटैच है. ठीक है, ये आएगी आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द क्यूबॉइड बोन. ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द, ये आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द क्यूबॉइड बोन. ये आएगी एंटीरियर आर्टिकुलर सर्फेस, एंटीरियर आर्टिकुलर सर्फेस, ये मिडिल आर्टिकुलर सर्फेस, और जो ये अंदर वाली साइड पे है ना टेलस के नीचे, ये है पोस्टीरियर आर्टिकुलर सर्फेस. ठीक है, ये वाली ये पोस्टीरियर आर्टिकुलर सर्फेस ये वाली है. ठीक है, सब टेलर जॉइंट बनता है ना उससे, तो पोस्टीरियर आर्टिकुलर सर्फेस. ये आएगा मिडिल आर्टिकुलर सर्फेस, ये एंटीरियर आर्टिकुलर सर्फेस और ये आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द क्यूबॉइड. तो 4 आर्टिकुलर सर्फेस हो गई. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सस्टेंटिकुलम टेलाई इसे कहते हैं.
ठीक है, यहाँ पे लगा होगा तो आपने लगा देना सस्टेंटिकुलम टेलाई, अगर ऊपर लगा होगा तो आपने मीडियल आर्टिकुलर सर्फेस लगाना है ऑफ टेलिस, सॉरी कैल्कीनियम, ठीक है ये कैल्कीनियम रहेगा, मीडियल आर्टिकुलर सर्फेस और कैल्कीनियम, और यहाँ पे सस्टेंटिकुलम टेलाई। अच्छा ये जो अंशियन है ये वाला पूरा, ये है हमारे पास ट्यूब्रास्टी, ठीक है ट्यूब्रास्टी जो कॉफ मसल होते हैं ना उसमें जो टेंडन रहता है ना यहाँ पे आके अटैच होता है ट्यूब्रास्टी पे। अब इसका ये आ जाता है लेटरल प्रोसेस, ये आएगा इसका मीडियल प्रोसेस, मीडियल लेटरल प्रोसेस मीडियल प्रोसेस ऑफ द ट्यूब्रास्टी, ठीक है यहाँ पे ये एक नॉच प्रेजेंट होती है फिब्यूलर नॉच है थोड़ी सी टूटी हुई यहाँ पे, फिब्यूलर नॉच प्रेजेंट होती है यहाँ पे फिब्यूलर नॉच। सो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये बॉडी ऑफ द कैल्कीनियम जिसमें वापस से ट्यूब्रास्टी आ जाती है, ट्यूब्रास्टी में ये लेटरल प्रोसेस, ये मीडियल प्रोसेस, सस्टेंटिकुलम टेलाई वो सर्फेस आपको बता देनी है, और ये फिब्यूलर नॉच प्रेजेंट हो गई यहाँ पे। अच्छा जी अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जो ये बोन जाना इसकी जब आपका ट्यूब्रास्टी आ जाती है एंकल की, बाकी ये जो बोन्स हैं इनके पास नाम ही लिख देंगे अगर आप लगा होगा पॉइंट तो, आप इसमें जस्ट क्यूबॉइड बोन लिख देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि ये हैं हमारे पास टॉर्सल्स, तो टॉर्सल्स और मेटाटार्सल्स के दरमियान कौन सा ज्वाइंट होगा, टॉर्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट, ठीक है ये ज्वाइंट बन रहे हैं ना टॉर्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट बन रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें कि फाइव मेटाटार्सल्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइव मेटाटार्सल्स हैं। अब जो मेटाटार्सल्स हैं ये भी लॉन्ग बोन्स में आते हैं आई थिंक, तो उसमें अब वो होगा बेस शेफ्ट एंड हेड। अब जो इनकी प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो बेस होगी, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, बेस ऑफ सेकंड, बेस ऑफ थर्ड, बेस ऑफ फोर्थ एंड बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है मेटाटार्सल्स, ये शेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, ये इनकी शेफ्ट आएगी एंड हेड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, ये सारी मेटाटार्सल्स आएंगी। अब इसकी जिस तरह ट्यूब्रास्टी है ना ये भी, इसकी भी ट्यूब्रास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब्रास्टी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल ये भी आ जाती होती है, ठीक है इधर से आपको मैंने किस किस की बता दी है, यहाँ से नेविकुलर की ट्यूब्रास्टी बताई है और यहाँ से फिफ्थ मेटाटार्सल की बताई है, कैल्कीनियम की भी बताई थी आपको, ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा अब ये तो मेटाटार्सल्स होगी, मेटाटार्सल्स के बाद फ्लैंजेस होती हैं, ठीक है तो अब फ्लेंजेस जो हैं वो इसमें जो है जस्ट प्रॉक्सिमल फेलिंग्स शो की हुई है, मिडिल और डिस्टल फेलिंग्स इसमें शो नहीं की हुई, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो पता ना बिग टो में सिर्फ दो फेलिंग्स होती हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मिडिल नहीं होती, बाकी जो तीन हैं इनमें मिडिल भी प्रेजेंट होती है, तो प्रॉक्सिमल मिडिल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडिल एंड डिस्टल फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल मिडिल एंड डिस्टल फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल मिडिल एंड डिस्टल फेलिंग्स, इन चारों में तीन तीन होंगी, ठीक है और जो बिग टो है इसके अंदर सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फिलिंग्स होंगी, मिडिल प्रेजेंट नहीं होती, जिस तरह हमारे थंब के अंदर भी सिर्फ दो फिलिंग्स होती है ना मिडिल प्रेजेंट नहीं होती। अब जिस तरह यह है इसकी भी जिस तरह मेटाटार्सल्स की बेस है देन शेफ्ट की है ना, तो मैटर आपने इनकी फिलिंजेस की भी वैसी करनी है, तो बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फिलिंग्स ऑफ द बिग टो शेफ्ट एंड हेड, ठीक है बेस ऑफ द ठीक है ये प्रॉक्सिमल फेरिंग्स ऑफ द सेकेंड टो, इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेफ्ट हेड बेस शेफ्ट हेड बेस शेफ्ट हेड बेस शेफ्ट हेड, आगे इसमें वो मिडिल और डिस्टल फ्लेंजेस शो नहीं की, ठीक है तो आपने इसको जस्ट याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बोन कौन सी है तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है अब इधर पड़ी हुई है इस तरह फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर, तो आपसे पूछ लेता कि ये कौन सी बोन है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बोन का नाम क्या है, तो कौन सी बोन है नेविकुलर बोन है या बी ट्यूब्रास्टी ऑफ नेविकुलर बोन है, एक एक दो दो पॉइंट्स बहुत पता होना चाहिए, और ये दो है ना कैल्कीनियम और टेलस बोन, इनका थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर, ठीक है और बाकी जहाँ पे चाक लगे हुए हैं देखें ये आस्पी के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई, तो मैंने वो बोन पिक की है जो आस्पी के अंदर लग जाती होती है, ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द bones of the foot. If you have any query, you can ask. Subscribe to our YouTube channel and on other platforms also. Allah Hafiz.